हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह के 5 बजे हम ब्लॉग वाला वीडियो बनाने के लिए निकले हैं। हम बेनीपुर मार्ग से जा आगे बढ़ रहे हैं साधु कुटिया की तरफ। देखिए, जॉगिंग के लिए सुबह में सभी लोग सुबह 5 बजे उठकर टहल रहे हैं, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा बनी रहे। ये देखिए टहल रहे हैं। कहते हैं सुबह में आप टहल लेते हैं तो दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपको थकान नहीं महसूस होगा। देखिए ये नहर पर, हम नहर से आगे बढ़ गए हैं, इस्लामपुर में पहुंचने ही वाले हैं। बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग वाला आपको वीडियो दिखा रहे हैं। इतना सुबह में अभी हम पहली बार वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। जो जो सुबह में टहलते हैं वह कमेंट करेंगे कि हम सुबह में उठते हैं और जॉगिंग करते हैं। सुबह में देखिए रास्ता भी कितना खाली है, आप आराम से उठकर टहल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब टहल रहे हैं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग लोग। अभी थोड़ा अंधेरा है, ये वाला रोड भी बन गया है, इसलिए हमें कल्लीपुर से होते हुए साधु कुटिया तक वाला मार्ग के ऊपर से अलकतरा के साथ गिट्टी मिलाकर इसकी मरम्मत करा दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसलिए आप आराम से आइए जाइए, लाइट नहीं लिए हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दादा टहल रहे हैं। पहले उबड़ खाबड़ मार्ग टूटा फूटा था तो आपको चोट भी आ सकती थी अंधेरे में चलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, रोड का बन गया है, इसलिए आपको कहीं चोट नहीं। आराम से एक चाल में चलिए, आप टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कल्लीपुर से आगे, कल्लीपुर में ही हैं अभी, कल्लीपुर मार्ग से साधु कुटिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए सभी लोग टहल रहे हैं। देखिए डंडा लेकर टहल रहे हैं। बहुत से लोग तो अभी सोए होंगे, उनको क्या पता कि सुबह में टहलने का क्या आनंद है, प्रकृति का आनंद है सुबह में टहलने का। सुबह में जो सोते हैं वो समझ लीजिए अपने, वो क्या करेंगे। देखिए भाई दौड़ लगा रहे हैं,
देखिए दोस्तों, डॉगी भी निकल गए हैं टहलने के लिए। थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, जगह जगह पे जो दुकान में लाइट लगी हुई है दुकान के सामने, वही शीशे प्रकाश आ रहा है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि अंधेरा में थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। कृपया सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि आपके आशीर्वाद से हम वीडियो शूट करते हैं। ये देखिए, अब हम साधु कुटिया पर बस पहुंचने ही वाले हैं, कल्लीपुर से आगे निकल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, लोग दिखाई दे रहे हैं टहलते हुए। अब हम साधु कुटिया पर आ चुके हैं। देखिए चार लोग टहल रहे हैं, नौजवान लोग सुबह में। देखिए चाय वाले अपना दुकान लगा रहे हैं। अब हम साधु कुटिया से चौराहे से आगे निकल चुके हैं। कुछ ही समय में हम आपको दिखाएंगे साधु कुटिया से आगे एक नया जिम सेंटर खुला है, जहां आप सुबह में उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसका नाम है यूनिवर्सल जिम सेंटर। सुबह में आप टहलते टहलते आइए और वहाँ पर आकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जस्ट टाटा कंपनी के पूर्व साइड में ही वो जिम सेंटर है। ये तो नहीं बता सकते खुला होगा कि नहीं, नहीं शायद खुला है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है टाटा कंपनी के जस्ट बगल में यूनिवर्सल जिम सेंटर, जहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है टाटा कंपनी। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, इसलिए मेन गेट बंद है। अब हम आपको काशी इंस्टीट्यूट के पास का वीडियो दिखाएंगे। इस समय काशी इंस्टीट्यूट में नेट UGC का एग्जाम चल रहा है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका PhD यानी प्रोफेसर में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, KIT लिखा हुआ ऊपर दिखा रहा है, थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, यहाँ नाइट का सीन है। देखिए दोस्तों, एक हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल। और देखिए दोस्तों, ये है काशी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, काशी इंस्टीट्यूट का मेन गेट है, यहीं से काशी इंस्टीट्यूट में एंट्री होती है। ये है काशी इंस्टीट्यूट का नज़ारा। ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बस सुबह के 5 बजे से ही चलना आरंभ हो जाती हैं, यात्रियों को आवागमन में बाधा ना हो, इसलिए सुबह से ही इलेक्ट्रिसिटी बसें माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।
अब हम आपको दिखाते हैं परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के ठहरने की यहाँ पर सुविधा है। धन्यवाद दोस्तों।